अगर मुसलमानों के समानों भाई साहब मैंने कौन सा घुमा दिया? आपने लॉलीपॉप कहा, मैंने लॉलीपॉप पे सवाल पूछा। आपने कहा कि भैया जिसको खिला दिया लॉलीपॉप वो उसके लायक था या नहीं था। सरकार आज हमारे देश में हिंसा पे जवाब नहीं देती कि उस हिंसा का दोषी कौन है। पदम श्री की बात आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा देश एकजुट होता है, आपने वो बात नहीं बोली। इसी धरती पुत्र के सेट पर मैंने कहा था कि उठा लो, पकड़ लो सारे जितने भी इस तरह की हिंसा करने वाले लोग हैं। आप लोग देखते नहीं है? आप तो सिख है ना? भूल गए? आप भूल गए? आप सिख राइट्स भूल गए? 1984 का सिख राइट भूल गए? आज आप कांग्रेस में रह के बात कर रहे हो? आज आप कांग्रेस में रह के बात कर रहे हो? दिल्ली में चार बार दंगे हो गए, आप भूल गए? लगातार चार बार दंगे हुए, उसके जिम्मेदार कौन है? आज कश्मीरी पंडित लगातार मोदी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, उसका न्याय कौन लगाएगा? आप उस चीज को छोड़ो ना। अच्छा ठीक है अनुजा इधर आइए सर, लगातार सर प्लीज गिनी साहब प्लीज एक सेकंड। आप कश्मीरी पंडितों को आज तक बसा नहीं सके, कश्मीरी पंडितों के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, पंडित नाम पे, धर्म के नाम पे। सर गिनी साहब एक मिनट अनुजा जी, एक सेकंड। गिनी साहब अभी तो मुसलमानों के साथ खड़े नजर आ रहे थे, तो छोड़िए मुसलमानों के लिए तो आपने कह दिया कि उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। अब हिंदू पर आ गए तो आपने क्यों नहीं किया था? 370 क्यों नहीं हटा पाए थे? मैं सवाल पूछता रह जाऊंगा, आधे घंटे का वक्त निकल जाएगा। अंबर मुसलमानों के एक सेकंड अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, भड़काने की पॉलिटिक्स, लड़ाने की पॉलिटिक्स क्या देश में खत्म हो रही है? देखिए विद्यराज, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की नीति रही है कि आप ऊपरी विकास कीजिए और सतह पर जो वोट बैंक है उसको वैसे का वैसा ही रहने दीजिए, ताकि आपकी वोट बैंक भी बनी रहे और देखने के लिए आप ये भी दिखा सके कि आपने बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। मुसलमानों को लेकर दो रिपोर्ट आई थी, जिसमें सचर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट, उसमें क्या किया गया आज तक, ये कितने समय सत्ता में रहे आज तक? न इनको पता है न मुसलमानों को पता है कि सचर कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई और उसने जो सिफारिशें की थी उस पर हुआ क्या? पढ़ते आए हैं भाई साहब हम तो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी। अरे जब भी जिक्र होता था तो कहते थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लो मुसलमानों की हालत देश में क्या है। हमने तो सशब्द याद कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता होगा। जहाँ तक लिंचिंग की बात आती है तो ये लिंचिंग की बात नहीं करे तो अच्छा है। इन लोगों का तो हजारों दंगों का इतिहास है, जिस देश में इनके रहते हजारों दंगे होते हो वो किस तरह से लिंचिंग की बात कर सकते हैं? आप लोग बात करते हैं लिंचिंग की, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर इनके रहते हुए देश में दंगे ना बढ़ते हो और मास स्केल पे लिंचिंग ना होती हो? 103 सांसद भाजपा के संसद में बैठे हैं, जिनपे पता नहीं कितने मुकदमे हैं। वो मानसिकता वाले लोग जब संसद में जाएंगे तो देश में दंगे ही होंगे। आज पश्चिम बंगाल और बिहार की आपने बात करी, वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं है, वहाँ पे हिंदुओं को लुभाना है। हिंदुओं को लुभाने के लिए देश में दंगों का माहौल बनाया जाता है।